नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के भारत बंद के दौरान गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। इस दौरान किसान प्रदर्शनकारियों ने जहां सुबह से ही एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर जाम कर दिया, वहीं किसानों के एक ग्रुप ने यहां नाच गाकर अपना विरोध जताया। आज के भारत बंद पर भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि हमारे आंदोलन को लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। भारत बंद में हमें लोगों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर का सहयोग मिल रहा है। इससे सरकार को संदेश जाएगा, हम वार्ता के लिए 24 घंटे तैयार हैं। किसान संगठनों ने संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि 5 चुनावी राज्यों में यह बंद नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद 26 मार्च को सुबह 6 बजे से जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा, जो दिल्ली की 3 सीमाओं सिंधु, गाजीपुर और टेकरी पर किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किया जा रहा है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू हो और ऐसा कानून बने कि जो भी MSP का रेट तय हो उससे नीचे कोई भी फसल खरीदता है उस पर सजा का प्रावधान हो और किसान को जो उसका हक है वो मिल पाए। जो इतनी मेहनत करता है उतना फल नहीं मिलता किसान को, हमारी यही मांगे हैं। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।